वेरी गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम एक और केस के साथ एक मेडिसिन देखते हैं। तो एक ये 46-47 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। इनके साथ ना इनको प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये एलर्जिक पेशेंट है ऑलरेडी। तो इनको काफ़ी कई साल से, मतलब 20-25 ईयर से इनको एलर्जिक का प्रॉब्लम होता रहता था। तो ये मेरे पास आए, मेरे किसी एलोपैथी फ्रेंड ने इनको रेफर किया मेरे पास। तो ये मेरे पास आए और तो इन्हें बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ये ना अभी करीब 25 दिन से सर्दी खांसी फीवर जबरदस्त कुराइजा हो रहा है, जबरदस्त कुराइजा हो रहा है, और फीवर भी है, कफ भी आ रहा है, ये चल रहा है करीब 25 दिन हो गया। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कैसे हो गया। तो इन्हें बताया कि डॉक्टर साहब ये बस मुझे लगता है कि ये मेरे को तो हर साल का ये प्रॉब्लम है, इस मौसम में हो ही जाता है, और डस्ट से और ये मौसम ने मुझे लगता है गड़बड़ किया है। तो मैंने कहा, और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस समस्या से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप इस वर्जन को ध्यान से सुनिए, ये इतने दिन हो गया ये समस्या जा ही नहीं रही है, ठीक है, लगातार लगातार ये बनी हुई है, ठीक है, जा ही नहीं रही है ये समस्या। तो मैंने कहा आपका मन कैसा हो रहा है इसकी वजह से। बोला कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, काम डिस्टर्ब हो रहा है मेरा, काम कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, 2 दिन से तो मैं कोर्ट नहीं गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका पहले कर दीजिए, ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसका कर दीजिए पहले, और बाकी तो ठीक है। तो मैंने कहा, और तो उन्होंने बताया कि बस यही है, मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब, आप तो पहले इसका कर दीजिए तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा और कुछ कहना है आपको। तो पेशेंट ने बताया कि बस यही समस्या है मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इस एलर्जी से, ठीक है, काम करना मुश्किल हो गया है, काम में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए मैं 2 दिन से तो कोर्ट ही नहीं गया, इवन कोर्ट कोर्ट जाता हूँ, ये एडवोकेट है तो कोर्ट जाता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार नाक पूछना पड़ता है। तो ये छोटा सा केस था, ठीक है। अब देखिए इस केस को समझते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो इस केस में हम समझते हैं कि सबसे पहले जो पेशेंट ने, देखिए बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, हमने कहीं केस प्रेजेंट किया तो बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करी। अच्छा है, ये अलग अलग तरीके से हमको एनालिसिस करते आना चाहिए, लेकिन केस में हमको केस की प्रोमिनेंसी प्रोमिनेंट पार्ट देखना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है केस में, ठीक है। तो देखिए आप कि तो कहने का मतलब ये है कि हमको ना ये प्रोमिनेंट पार्ट देखना होता है केस में, ठीक है। तो केस में क्या, सबसे पहले आप देखिए कि ये पेशेंट को खराब फील हो रहा है, ठीक है, खराब फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा उसको, कोर्ट में नाक पूछता रहता है। तो सबसे पहला हमारा दिमाग जाना ही चाहिए यहाँ पर कि पेशेंट का डिस्कम्फर्टनेस क्या है, ठीक है, और उस समस्या में वो कैसे डील कर रहा है चीज़ों को, क्या हो गया है उसको, ठीक है। तो देखिए आप, एक तो आपसे पेशेंट ने बोला है कि बस इसका कर दीजिए आप, उसने 2 बार बोला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस को ऐसे ऐसे देखना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बींग सराउंडिंग्स लिया, डिल्यूजन हाइंडर्ड लिया। तो हिंडर्ड को आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पेशेंट साफ बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है अलग चीज़ है, काम नहीं कर पाना अलग चीज़ है, ठीक है, डिल्यूजन हिंडर्ड अलग चीज़ है, काम में डिस्टर्बेंस होता है तो डिस्टर्ब अवर्जन टू बीइंग है पेशेंट। अब डिल्यूजन हिंडर्ड को आप समझिए, ठीक, वैसे ही आपको हिंडर्ड को ऐसे समझना है कि जैसे आप राइटिंग कर रहे हैं और हाथों पसीना आ रहा है, तो हाथ को आपको पोंछना पड़ रहा है फिर आप राइटिंग करते हैं, ठीक है, आप स्पीड से जा रहे हैं, रिदम बना हुआ है आपका जाने का, अब बीच में ब्रेकर आ जाता है, तो हिंडर्ड को आप समझिए ब्रेकर, ठीक है, जो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं, जो आपकी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हिंडर्ड।
लेकिन पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बिजनेस इनकैपेसिटी है। ठीक है, अब देखिए इस केस में आप सिर्फ दो रूब्रिक लगाएंगे, एक बिजनेस इनकैपेसिटी और कैरी डिजायर टू बी कैरीड, ठीक है, और तीसरा एम्बेरसमेंट, पेशेंट को खराब लगता है। ठीक है, तो ये तीन रूब्रिक के आप लगाएंगे तो दो तीन चार मेडिसिन ही बचती हैं आपके पास। ठीक है, और जिसमें शायद एक ही मेडिसिन आ जाती है ऊपर, क्योंकि कैरीड डिजायर टू बी कैरीड में लैकेसेस जो डिल्यूजन इंजरी इंजॉर्ड इज बींग बाय सराउंडिंग्स बाय है वो नहीं है। ठीक है, तो एलर्जी के पेशेंट जनरली ऐसे ही आगे कहते हैं मुझे डस्ट से होता है, मौसम में होता है, तो कुछ लोगों ने इसको मौसम से प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल लिया था। ऑफकोर्स ये आप सोच सकते हैं, लेकिन बाद में पहले पेशेंट को और डिटेल में समझ के पेशेंट की इनर कोर को समझना है। जैसे पेशेंट ने इस समस्या के साथ बोला एम्बेरसमेंट लगता है, उसको खराब लगता है, और दूसरा आप कर दीजिए इसका कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, कैरीड होना चाह रहा है आपसे, तो इन दो में ही लगाएंगे तो आपका लैकेसिस और हायोसाइमस अलग हो जाएगा। डिल्यूजन हिंडर्ड है ही नहीं तो चाइना का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने तीन रूब्रिक लिए, डिल्यूजन, बिजनेस इन कैपेसिटी और एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, ये तीन रूब्रिक में आपके पास मेडिसिन आ जाती है। तो मैंने इस केस को फास्फोरस दिया था। अब आप देखिए और सारे केस इसमें क्या क्या है फास्फोरस की। तो पेशेंट ने बताया कि रात भर, ये शायद मैंने केस में मेंशन नहीं किया, रात भर मुझे इधर से उधर उठ के बैठ जाता हूँ मैं, टहलना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो ये पेशेंट का क्या था कि टहलना पड़ता है, उठ जाता हूँ, रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग, इसी को कहेंगे रेस्टलेसनेस थंडर स्टॉर्म विथ थंडर स्टॉर्म ड्यूरिंग। तो ये जो एक्चुअली ये जो रस्ट वो फॉस्फोरस का ये थंडर स्टॉर्म है उसके लिए, थंडर स्टॉर्म को आप समझिए क्या कि पेशेंट ये जो आंधी तूफान है ना, ये उसकी कोराइजा है आंधी तूफान की तरह है। ठीक है, तो ये हमने रूब्रिक लिए थे। अब आप देखिए कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग, और सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन ऑल इम्प्रेशन, ये फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्फोरस पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसको मौसम, उसको एलर्जी, उसको डस्ट ऐसे नुकसान करता है उसको। ठीक है, तो अब देखिए आप ये फास्फोरस के हमारे पास ये सारे रूब्रिक थे, और देखिए आप कि इसमें किल डिजायर, एक चीज़ और बोली थी पेशेंट ने, शायद मैं आपको पूरा केस नहीं दे पाया, तो मैं रूब्रिक के थ्रू आपको बता देता हूँ कि मैं आपके पास डॉक्टर साहब इतने टाइम से मैं परसीवर कर रहा हूँ, मतलब मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, और इवन मैं 25 दिन से मैं बियर कर रहा हूँ आपके पास, मैं तो एलोपैथी खा लेता, लेकिन मुझे बार बार एलोपैथी लेके इसको बनाए नहीं रखना है, मुझे इसको जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, ये बार बार का समस्या, तो ये जो जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारे पास आते हैं, इसके लिए हम रूब्रिक लिखते हैं किल डिज़ायर। ठीक है, अब देखिए आप इसमें एक रूब्रिक और है हमारे पास, वर्क इम्पॉसिबल, शायद मर्फी रिपटरी में, तो फास्फोरस वर्क इम्पॉसिबल में भी है। ठीक है, अब देखिए पेशेंट को ना मैं बराबर से सो पा रहा हूँ, ना तो काम पर जा पा रहा हूँ, तो ये जो है उसका डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग, उसका काम का भी नुकसान हो रहा है, उसका नींद का भी नुकसान हो रहा है, तो डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग है। ठीक है, तो ये सब मिला करके मैंने उसको फास्फोरस दिया था। अब देखिए एक रूब्रिक और है, पेशेंट उठ के ना बैठ जाता है और बाहर घूमने लगता है, तो वही मैंने बताया रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस ड्राइविंग आउट ऑफ बेड। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक मिलाने के बाद आपको फास्फोरस आता है। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट भी है, तो पेशेंट ने कहा था कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने काम में। ठीक है, ये तो मेरे पीछे ही मतलब पीछे ही लगी हुई, तो डिल्यूजन परस्यूड। ठीक है, और ये अभी तक आराम नहीं मिल रहा, लेकिन ये पेशेंट्स रखे हुए हैं, तो पेशेंट्स में भी फास्फोरस है, तो ये सारे रूब्रिक मिलाने के बाद आपको फास्फोरस मिलता है। अब थोड़ा सा हम फास्फोरस के बारे में बात करेंगे, तो फास्फोरस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी। ठीक है, वेरी सेंसिटिव, वेरी अफेक्शनेट, वेरी सिंपथेटिक। तो इसमें हमारे पास एक रूब्रिक है,
सबसे पहले तो आप समझिए कि फास्फोरस पेशेंट होते हैं ना, वो अनलव्ड अनकेयर फील करते हैं, क्योंकि ये थर्ड रो की रेमेडी है, 15th कॉलम की रेमेडी है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो इस जो ये जो रेमेडी होती है ना, ये थर्ड कॉलम की जो थर्ड रो की जो रेमेडी होती है, इसमें लव, केयर, नर्चरिंग, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये फास्फोरस का पेशेंट अपने पेरेंट्स के थ्रू ऑप्रेस्ड फील होता है, ठीक है। तो अब ऑपरेशन की वजह से इसको लगता है कि ये अनलव्ड और अनकेयर्ड होता है, ठीक है। फोर सेकेंड फीलिंग आती है इसके अंदर। अब जो चीज़ें इसको घर से मिलनी चाहिए वो बाहर की तरह तलाशने लगता है। अब फास्फोरस बहुत इंटेलिजेंट बनना होता है साथ में, तो ये क्या करता है कि अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके ये इसमें जाता है, अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन। उसको पता है कि मैं यदि अफेक्शन दूंगा, प्यार दूंगा, तो प्यार मिलेगा, और देना, प्यार देना, प्यार लेना, दिस इज बिजनेस ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो बिजनेस स्टॉक्स में भी फास्फोरस है, तो उसको पता है कि मैं ये वाला, ये जो इसका बिजनेस है फास्फोरस का, कि लेन देन, तो अफेक्शनेट रिटर्न अफेक्शन, कि मैं उसको प्यार दूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा। अब प्यार कैसे मिलेगा, जब इसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, लोग होंगे। तो अब ये क्या करता है, सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तो अपने कपड़े, अपने चाल, अपने ढाल, अपने हाव भाव से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और मल्टीपल फ्रेंड्स बनाता है। लेकिन ये बाहर रहता है और इस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली में रहता है, क्योंकि घर में इसको लव अनकेयर्ड मिला है, ठीक है। तो ये इस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली रहता है, ठीक है। लेकिन बाहर दोस्ती, कंपनी डिजायर, अलोन बीन एग्रवेट, इसमें भी मिलेगा फास्फोरस। तो फास्फोरस के दोस्त बहुत सारे होते हैं, और दोस्तों से क्या चाहिए, इसको अफेक्शन देता है तो अफेक्शन मिलता भी है इसको, तो इसका प्योर अफेक्शन होता है, क्योंकि इसको चाहिए ना, और यही फास्फोरस का बिजनेस है। लेकिन ये कहीं टिकता नहीं है, तो आप देखिए कि फास्फोरस बराबर से किसी से एक दोस्ती लंबी नहीं निभाता, क्योंकि डिल्यूजन बिजनेस डूइंग में है, कि मैं, मुझे अभी इससे मेरा इतना काम था, मेरे को इससे इतना, मैंने, मेरी इतनी थी इससे कि मैंने इसको इतना दिया, तो इससे इतना मुझे मिल गया लव अफेक्शन, ठीक है। अब डिल्यूजन बिजनेस डूइंग, उसका काम हो गया, अब डिल्यूजन बिजनेस इज सक्सेस, मैं जिस काम के लिए इससे दोस्ती बनाया था ये काम मेरा हो गया, तब ये आगे चलता है। इसलिए ये पेशेंट, फास्फोरस का पेशेंट के ज़्यादा दोस्त तो होते हैं, लेकिन कहीं ये टिकता नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो पाते इसके, ठीक है। और इसमें फास्फोरस भी ना बहुत सारे सेड्स होते हैं। एक तो फास्फोरस सेंटर ऑफ लव हिमसेल्फ में होता है, खुद को प्यार करता है, लेकिन कहीं देखिए आप कि ये डिस्गस्ट वन सेल्फ में भी है। एक यही पेशेंट जो मैंने अभी इसकी बात करी, ये अपने आप को आईने में नहीं देख पाता, नहीं देखता है, बोला मेरा चेहरा मुझे अपने आप को गंदा लगता है, मैं नहीं देखता, मैं अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो एवर्जन हिमसेल्फ टू, डिस्गस्ट वन सेल्फ टू, मैं फास्फोरस है। अब देखिए इसमें डिल्यूजन, एक रूब्रिक हमारे पास डिल्यूजन, डिस्टेंट आईलैंड ऑन ही इज। तो ये क्या होता है, इसको फोर सेकेंड फील होता है, अब उसको लगता ही नहीं कि उसका कोई है, तो अपने आप को एक अनजान जगह डिस्टेंस आइलैंड में अपने आप को फील करता है। जब उसका यही फीलिंग रहेगी, इसीलिए वो सर्किल जमाता फिरता है, अपने दोस्त बनाता फिरता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसीलिए उसके पास दोस्त होते हैं, और कई बार वही फास्फोरस की दूसरा सेट ये भी होता है, डिल्यूजन डिस्टिंक्ट आइलैंड, एंड वो चाहता है कि मैं डिस्टेंट आइलैंड में जाऊं, और ट्रैंक्विलिटी डिजायर, ठीक है। कई बार वो अकेला रहना भी पसंद करता है, किसी एक एक कहीं कहीं दूर जाके, डिस्टेंट आइलैंड में जाके ये ट्रैंक्विलिटी को एंजॉय भी करता है, ठीक है। तो ये सारे फास्फोरस और फास्फोरस से रिलेटेड रूब्रिक हैं। फास्फोरस की बहुत सारे सेड्स हैं, बहुत बड़ी रेमेडी पॉलीकेस्ट रेमेडी है, ठीक है। तो इस केस के थ्रू मैंने आपको ये छोटा सा शेड देने की कोशिश करी है फास्फोरस की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।